महिला आरक्षण बिल के बाद अब कौन सा कानून मोदी सरकार ने कर दिया साफ। इसी साल देश में लागू हो जाएगा CAA कानून। केंद्र सरकार ने CAA लागू करने की प्रक्रिया को किया तेज। महिला आरक्षण विधेयक भले ही इसी महीने कानून की शक्ल ले ले, लेकिन ये लागू 2027 में ही हो पाएगा, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि पहले सीटों का परिसीमन होगा, उसके बाद इसे लागू किया जाएगा, और परिसीमन के लिए पहले जनगणना कराई जाएगी जो 2024 में होगी। उसके बाद 2026 में चुनाव आयोग सीटों का परिसीमन करेगा। उसके बाद 2029 का लोकसभा चुनाव ही परिसीमन के आधार पर हो पाएगा, यानी लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण 2029 चुनाव में ही मिल पाएगा। वैसे कुछ लोग यहां तक तर्क देते हैं कि 2025 में शायद जनगणना हो ही नहीं, ऐसे में फिर 2031 की जनगणना का इंतजार करना होगा, इसकी रिपोर्ट 2033 तक आएगी। इसके बाद जब चुनाव आयोग परिसीमन की प्रक्रिया को शुरू करेगा तब 2034 का चुनाव आ जाएगा। ऐसे में महिला आरक्षण बिल 2039 के लोकसभा चुनाव से ही लागू हो पाएगा। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि परिसीमन के दौरान दक्षिण के राज्यों का खास ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि इन राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण का काम सख्ती से किया गया है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण करके इन्हें नुकसान नहीं हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। डेलिमिटेशन के बाद सीटों के विस्तार को लेकर दक्षिण भारत के नेताओं की चिंता जायज बताई गई है। आबादी को कंट्रोल करने वाले राज्यों को सजा नहीं दी जा सकती। लोकसभा सीटों को बढ़ाते वक्त ऐसे राज्यों का प्रोडाटा फिक्स करना होगा, ताकि आबादी कंट्रोल करने वाले राज्यों को सजा ना मिले। वैसे परिसीमन का पूरा काम चुनाव आयोग को देखना है, लेकिन इसके लिए उसके पास जनगणना के आंकड़े होना जरूरी है। सरकार जनगणना के आंकड़े चुनाव आयोग को उपलब्ध कराएगी, उसके बाद ही काम शुरू हो पाएगा। महिला आरक्षण के बाद अब दावा किया जा रहा है कि CAA भी जल्दी लागू हो सकता है। इसके लिए सरकार ने नियम तैयार कर लिए हैं। संसद से यह कानून पहले ही पास हो चुका है। ऐसे में CAA रूल को भी जल्द नोटिफिकेशन किया जाएगा। इस कानून को लेकर विवाद है, कई आंदोलन भी हो चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार ये बात पहले से ही साफ कर चुकी है कि वो CAA को लेकर अपने पैर पीछे नहीं खींचेगी। और ये बात तो पहले से ही साफ कर दी गई थी कि मोदी सरकार चुनाव के करीब आने पर CAA को लागू कर देगी। और दावा किया जा रहा था कि मोदी सरकार इस साल के आखिरी तक CAA को लागू कर देगी। वैसे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि CAA लागू होने के बाद एक बार फिर देश में मुस्लिम समुदाय के लोग आंदोलन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस कानून में मुसलमानों को छोड़कर बाकी सभी धर्म के लोगों को देश की नागरिकता देने के मामले में छूट दी गई है। दरअसल विपक्ष को भी इस कानून को लेकर सबसे ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ये कानून ध्रुवीकरण को बढ़ा सकता है, क्योंकि चुनाव एकदम सामने आ गया है। ऐसे में सरकार CAA को लागू कर देती है तो इंडिया गठबंधन के लिए इसका उग्र विरोध फायदे की जगह नुकसान करा सकता है। अभी तक जो रणनीति विपक्ष गठबंधन की ओर से बनाई गई, उसमें ध्रुवीकरण से बचने की है। वैसे हाल ही में DMK नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान से जरूर इंडिया गठबंधन परेशानी में दिखाई दी थी, क्योंकि उदयनिधि के बयान को BJP ने लपक लिया और PM मोदी ने खुद ही इसे लेकर अपनी रैलियों में सीधे इंडिया गठबंधन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। PM के बयान के बाद से ही कांग्रेस ने खुद को सनातन विवाद से अलग कर लिया है। ऐसे में CAA लागू होने के बाद इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इसी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय CAA को लेकर तैयारी तेज कर चुका है। इस कानून को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले लागू किया जा सकता है। इस बात से साफ साफ संकेत मिलने लगे हैं। अगर ऐसा होता है तो BJP इस कानून का फायदा विधानसभा चुनाव में भी उठाने की पूरी कोशिश कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द करनी हो।